संसद भवन बनकर तैयार। इमारत का निर्माण करीब 2 साल पहले शुरू हुआ। इमारत सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक साथ बैठ सकेंगे 1280 सांसद। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। नए भवन का निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नई जरूरतों को देखते हुए पुरानी बिल्डिंग अब उपयुक्त नहीं रह गई थी, क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी का भी अभाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। बयान के मुताबिक नए संसद भवन का काम रिकॉर्ड समय पर पूरा हुआ और नया भवन आत्मनिर्भर भारत का शानदार नमूना है। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती भी है। उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई नए भवन में ही शुरू की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। दरअसल नए संसद की इमारत राष्ट्र के शक्ति केंद्र सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्र सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूरी की जा रही इस परियोजना का हिस्सा है। पुरानी बिल्डिंग की तरह ही नई इमारत में लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग-अलग चैम्बर होंगे। लोकसभा चैम्बर में जहां एक साथ 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं राज्यसभा चैम्बर में एक साथ 384 सदस्य बैठ सकेंगे। पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता था, लेकिन नई इमारत में इसका आयोजन लोकसभा चैम्बर में किया जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सांसद बैठ सकेंगे। लोकसभा में बैठ सकेंगे 888 सदस्य। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नव निर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। सुरक्षा के होंगे और भी पुख्ता इंतजाम। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस होगी। यहां सुरक्षा के कड़े और नए सिरे से इंतजाम किए जाएंगे। बता दें कि मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण कर यहां चल रहे काम के बारे में जानकारी ली थी। नए संसद भवन में घंटे से ज्यादा समय तक रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बातचीत भी की थी। कितने रुपयों में बनकर तैयार हुई नई संसद? नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई है। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। उद्घाटन के लिए क्यों चुनी गई 28 मई की तारीख? नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई को और दूसरी बार 30 मई को शपथ ली थी। ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि फिर नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को ही क्यों हो रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रम भी आधिकारिक तौर पर 30 मई से शुरू होंगे, तो 28 मई का दिन नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए क्यों चुना गया? दिलचस्प बात है कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या ये महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है या फिर ये सुनियोजित है। हालांकि कांग्रेस ने नए संसद भवन को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि नया संसद भवन देश के लिए कितना सुखद और सुनहरा सवेरा लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाले इंडिया।